नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एजुकेशन में। बिहार दरोगा दोजंस वैकेंसी का पीटी एग्जाम 22 दिसंबर को दो पाली में ली गई थी और इस एग्जाम का दोनों पाली का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आंसर की भी वायरल हो रही है। और इस पर बच्चे का मांग है कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए। और आज बिहार के सभी न्यूज़पेपर के माध्यम से सभी जगहों से जिस प्रकार से न्यूज़ आ रही है उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देंगे और आयोग के द्वारा क्या जानकारी दी जा रही है इसकी भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिहार दरोगा दोजंस वैकेंसी का पीटी एग्जाम जो 22 दिसंबर को हुआ है, इसमें क्वेश्चन पेपर लीक हो गई है और कुछ सेंटरों पर काफ़ी बच्चे के द्वारा हंगामा भी किया गया है। दुर्गा लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल और पटना में 4 अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। अभ्यर्थी बोले बिना सील के प्रश्न पत्र पहुंचा है केंद्र पर। पर्चा लीक की अब्बा पर हंगामा। आरा नवादा के दो केंद्रों पर अब्बा के बाद परीक्षा बाधित हो गई है। प्रश्न पत्र लीक की खबरें ने आयोग ने किया है खारिज। आयोग की टीम करेगा जाँच। आरा और नवादा की घटनाओं की जाँच के आदेश दिए गए हैं। आयोग की टीम दोनों सेंटरों की घटना की जाँच करेगी। इसके लिए आयोग ने पदाधिकारियों की टीम भेजी जा रही है। बिहार दरोगा दोजंस वैकेंसी का पीटी एग्जाम जो पर्चा लीक हुआ है उसमें सभी जगह कुछ जगह ऐसे हैं सेंटर जहां बच्चे एग्जाम ना देकर प्रदर्शन किए हैं। पर्चा लीक की खबरों को आयोग ने खारिज किया है। जन अधिकार छात्र परिषद ने विधि गेट पर पुतला फूका है। जन अधिकार छात्र परिषद ने कार्यकर्ताओं ने पटना विश्वविद्यालय के गेट पर सरकार का पुतला दहन किया है। ये दरोगा भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने पर आक्रोशित थे। अभ्यर्थी हाथों में पोस्ट लिए थे और उन्होंने सरकार का विरोध किया है। दुर्गा भर्ती परीक्षा में हुए धांधली की जांच होनी चाहिए। बिहार प्रदेश छात्र लोक समता के प्रधान महासचिव सौरभ कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान से लेनी होगी और जांच के आदेश देनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जल्द ही आंदोलन करेगी। बिहार दरोगा दोजंस वैकेंसी का पेपर लीक की अभाव पर अभ्यर्थी का हंगामा कुछ सेंटरों पर किया गया है, जैसे नवादा, गया, मुंगेर और कुछ सेंटरों पर। बिहार दरोगा दोजंस वैकेंसी का जहां क्वेश्चन पेपर लीक होने की बच्चों को जानकारी मिली, उस जगह पर बच्चे एग्जाम ना देकर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। 495 सेंटर बनाए गए थे। प्रदेश में दो पाली में ली गई थी परीक्षा। दुर्गा बहाली परीक्षा प्रश्न पत्र वायरल होने की खबरें के बीच रहा एग्जाम टफ। और कटअप की बात करें तो डॉक्टर एम रहमान के अनुसार कटअप की जो जानकारी दी गई इसमें बताया जा रहा है कि जनरल का 56 से 60, ओबीसी का 52 से 56, ईबीसी का 48 से 52, एससी का और एसटी का 45 से 48, महिलाओं का 38 से 42 कटअप जा सकती है। और प्रश्न पत्र जो वायरल हुई है जो आप लोग देख सकते हैं, और इससे पहले भी आप सभी को क्वेश्चन पेपर जो लीक हुई है इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिली है। बिहार दरोगा दोजंस वैकेंसी का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है इसमें आयोग की ओर से अभी साफ तौर पे इनकार किया जा रहा है, लेकिन जांच का आदेश दिया गया है। अब जांच के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि इस एग्ज़ाम को क्या किया जाए। तो बस काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बिहार दरोगा दोजंस वैकेंसी का एग्ज़ाम कल ना देकर हंगामा किए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।